माता मंदिर आप लोग दर्शन करो दर्शन कर लो आप लोग और जय माता दी देना। और ये देखो फ्रेंड्स मैंने खाना बना खा लिया है और ना ही मैंने खाना खाया साथ में लस्सी पी थी तो लस्सी मेरे को ठंडा नहीं लगी तो मैं धूप में बैठी हूँ। अभी कई देर धूप में बैठूंगी दो सेकंड की ताकि मुझे ठंड ना लगे मेरे सभी काम हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स ये देखो इस तरह से रात का नजर हमारे छत के ऊपर से दिखाई देता है और ये रेड लाइट लगी ना ये माता जी मंदिर है। और ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे अपने अपने घर में तो ठीक ही रहने चाहिए। तो अभी बज रहे हैं 9:30 तो 9:30 का टाइम हो गया है तो मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ। मैंने दूध गर्म रख दिया है चाय बन रही है और बालों में लगाने के लिए अलसी अलसी का वो बना रही हूँ मैं देसी जुगाड़ तो बालों में लगाने के लिए। तो आप शुरू से लेके एंड तक मेरे ब्लॉग में बने रहना तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी जरूर बताना। मेरी चाय बन गई है अभी लो आप भी चाय पी लो। तो अभी मैं छान लेती हूँ चाय फिर मैं पीऊंगी। और ये देखो आप लोगों को ये देखो इस तरह हो जाता है ये अब इसके बबल्स आने लग जाएंगे वाइट वाइट और इसको कर दूंगी मैं सिम पे तो ये सिम पे आराम से बनता रहेगा। और दूध गर्म हो गया है अब ये भी मैं कर देती हूँ बंद। अब मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा घर का काम करूँगी। पहले मैंने ब्लॉग एडिटिंग किया था और अपलोड भी किया था तो काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मेरा काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है घर का काम हो जाता है वीडियो अपलोड करना हो जाता है और अकेली हूँ तो मेरे को देखना पड़ता है सब कुछ। तो अभी मैं चाय वाय पी लेती हूँ उसके बाद ब्लॉग आगे स्टार्ट रखूँगी। और अभी मैंने चाय छान ली है इसमें तो चाय पी लेती हूँ पहले आपको भी पीनी है तो ये लो पी लो। चलो तो फ्रेंड्स मैंने चाय वाय पी ली है अब किचन में जाके देखती हूँ जो अलसी का वो मैंने बनाया था देसी जुगाड़ वो बना है कि नहीं। तो आप लोगों को मेरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने चाय वाय पी ली है अब मैं रसोई में जा रही हूँ देखती हूँ कि वो अलसी का देसी जुगाड़ बना रही थी तो वो बना है या नहीं क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेता है 10 मिनट तो ले ही लेता है। तो आपको मैं फ्रेंड्स मैंने चाय वाय पी ली है अब चाय पीने के बाद मैं किचन में आई हूँ इसे देखने के लिए कि ये बना है या नहीं बना। तो ये देखो ऐसा बना है इस तरह से ये ना जेली सी बन जाती है ये इस तरह ये स्पा की तरह बन जाता है जो हम बालों में कराते हैं ना स्पा उसकी तरह बन जाता है। तो अभी ये मैं बाल धो धो के बाल तो मैंने धो लिए थे तो अब ये लगाऊंगी मैं ये लगाने के बाद 2 घंटे बाद सिर धोऊंगी तो साथ में काम भी हो जाएगा और साथ में ये भी लग जाएगा तो इसे मैंने साथ में ही बना लिया था तो मैं लगा लेती हूँ ये। फ्रेंड्स मैंने खाना वाना तो खा लिया है और नाते ही मैंने खाना खाया तो साथ में मैंने लस्सी पी थी तो लस्सी पी मेरे को ठंड लगने लगी तो मैं अब धूप में बैठी हूँ। अब मैं कई देर धूप में बैठूँगी धूप सेकूँगी ताकि मुझे ठंड ना लगे मैं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। और बाद में कुछ कपड़े हैं मेरे को कपड़े भी धोने हैं और बाद में अभी स्टडी स्टार्ट करूँगी दोबारा से और सामान वामान तो सेट कर लिया है मैंने तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े धो लिए हैं चाय भी बना के पी ली है और बर्तन भी धो लिए हैं और अभी मैं फ्री हूँ। तो मैं सोच रही थी आपको ना छत पे लेके चलती हूँ क्योंकि छत पे जब से मैं आई हूँ ना इस न्यू घर में रूम चेंज किया तब से मैं भी छत पे नहीं गई हूँ कि कैसी है छत और ऊपर से साफ सफाई है भी या नहीं। तो मैं सोच रही थी अपने चल छत पे चलते हैं तो ऊपर एक बार जो पड़ोसी है हमारे उनके मिस्त्री भी लगे हुए हैं तो देखते हैं ऊपर मिस्त्री है या नहीं। अगर नहीं लगे हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि ऊपर की छत और ऊपर से नीचे किस तरह दिखाई देता है। चलो तो मैं छत पे चलते अपने फ्रेंड्स ये छत का गेट है ये गेट है तो इस गेट से अपने ऊपर जाएंगे इसे खोल के मैं खोल देती हूँ
ये फूल गया। आपको पहले पेड़ी दिखाती हूँ कैसी दिखती है। ये पेड़ी है इस तरह से ऊपर पर जाने के लिए। चलो चलते हैं, शायद ऊपर मिस्त्री लगे हैं। तो फ्रेंड्स मैं ना छत पे आ गई हूँ। छत पे तो कोई नहीं है, पर ये चार दीवारी ना ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये थोड़ी छोटी छोटी है, तो सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं नीचे बैठी हूँ, तो आपको नीचे बैठे बैठे दिखाती हूँ कि छत पर से क्या क्या दिखाई देता है। और यहाँ पे हमारे एक पास में माता का मंदिर भी है, और माता के लिए तो आप एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। ये माता का मंदिर, आप लोगों को मैं दर्शन करा रही हूँ, दर्शन कर लो आप लोग और जय माता दी लिख देना। और ये देखो इस तरह से है, और ये छत तो इतनी गंदी हुई पड़ी है। ये जो हम रह रहे हैं ना उनका सामान नहीं है, ये जो पास में पड़ोसी है ना उन लोगों का सामान है, क्योंकि उनके मिस्त्री लगे हुए हैं तो इस छत पे डाल रखा है। तो आप लोगों को कैसा कैसी लगी छत, और आपने दर्शन तो कर ही लिए होंगे। ये देखो पास में, बिल्कुल पास में है, ये पीछे वाली गली में मंदिर माता का। तो बहुत बड़ा है मंदिर, सुबह आरती वगैरह होती है तो हमें सुनाई देती है, शंख वगैरह बजता है तो भी हमें सुनाई देता है। तो आप बताना कमेंट में कि आपको मंदिर देख के कैसा लगा, सुकून मिला या नहीं। और छत तो आप लोगों ने देख ली है, मैं नीचे बैठी हूँ क्योंकि इधर उधर से लोग छत पे चढ़े हुए हैं ना, तो मैं नीचे, मेरे को ना शर्म आती है तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो हो सकता है मैं दिखा भी सकती हूँ, नहीं भी दिखा सकती हूँ खड़ी होके सारा रात। हाँ सच्ची, आपको मैं रात को ज़रूर दिखाऊँगी, रात में कोई नहीं होता है तो आपको मैं रात में ना छत पे चढ़ूँगी, तो आपको यहाँ का ये मैं यहाँ से पूरी लोकेशन बताऊँगी छत पे कि आपको कैसी दिखाई देती है। और मैं भी देख लूँगी क्योंकि अभी तक मैं भी नहीं चढ़ी हूँ, पहली बार चढ़ी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो शाम को मिलते हैं छत पे, मैं तब व्लॉग बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि कैसी दिखाई देती है शाम को। तभी मैं नीचे जा रही हूँ, चलो तो नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई हूँ, नीचे आते हुए तो ब्लॉग नहीं लिया क्योंकि छत पे लोग शाम को धूप सेकने के लिए छत पे होते, बहुत से लोग छत पे थे, मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने जितनी कोशिश हुई इतनी आप लोगों को छत दिखा दी, और शाम को छत पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसी दिखाई देती है। तो अभी मैं कुछ देर स्टडी कर लेती हूँ, फ्री होगी तो थोड़ी देर स्टडी कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ और काम कर लेती हूँ। चलो स्टडी कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स आपने छत तो देख ही ली है, और अब मैं कुछ देर स्टडी कर लेती हूँ क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो गया है, और इसीलिए कुछ देर स्टडी करने के बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगी। और फ़ोन भी 7% है तो कहीं लाइट, कई बार ये होता है ना कि लाइट चली जाती है और लाइट आती नहीं है, कितना वेट करते हैं तब तो आती ही नहीं है। तो मैं एक बार फ़ोन चार्ज लगा लेती हूँ साथ में, और स्टडी भी हो जाएगी, तो मिलते हैं स्टडी के बाद। तो फ्रेंड्स रात हो गई है काफ़ी, लाइटें भी जल गई हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं लाइटें, रात हो जाएगी छत पे लाइटें जल जाएंगी तो मैं आपको छत का नज़ारा दिखाऊंगी। तो चलो छत का नज़ारा देखते हैं कि कैसा है, मैं भी पहली बार चढ़ रही हूँ अभी शाम को, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो इस तरह से रात का नज़ारा हमारी छत के ऊपर से दिखाई देता है, और ये रेड लाइट जग रही है ना, ये माता जी का मंदिर है। और ये यहाँ तक देखो, ये पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड है ये, और ये हमारे घर के आगे की साइड है। तो मैं पहली बार चढ़ी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई हूँ, और आप लोगों ने छत तो देख ही ली कि रात को कैसी दिखाई देती है, और मैंने भी देख ली कि हमारे हमारी न्यू घर की छत से कितना सुंदर व्यू नज़र आता है। मैं भी पहली बार चढ़ी हूँ। तो ओके, मैं मेरे ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ।
और अपना ध्यान रखना, और नमस्ते सभी को, गुड बाय और गुड नाइट।